ओके सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी पहली और डे की सफारी पे चल रहे हैं, यानी कि दिन की सफारी पे। फिर रिजॉर्ट में खड़ा हूँ हमारे यहाँ पे लायन पगमार्क रिजॉर्ट पे। और सर, अरे मेरे साथ यहाँ पे ये चेतन भाई भी आ गए हैं। चेतन भाई हमारे को ओनर हैं इस प्रॉपर्टी के, कौशल भाई के साथ। चेतन भाई, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। ओके, मैं देख रहा हूँ बाहर पूरा वाइल्ड लाइफ का यार पूरा ना एक पूरा पर्सपेक्टिव है, और यहाँ एनिमल का मूवमेंट रहता है। हाँ, एनिमल का भी मूवमेंट आ जाता है, कभी कभी लायन मिलता है, लेपर्ड मिलता है। नहीं, बाहर। हाँ, बाहर लिबल, पर पूरा सेफ्टी है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है आज तक हमारे यहाँ पे रिसोर्ट में। यहाँ पे फैसिलिटी ऐसी है कि पूरा ये जो है मेरा बिल्कुल नेचुरल प्रॉपर्टी है अपना। हाँ, पूरे हाँ, के पूरे रिसोर्ट में आम के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, ये मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, और आम का जो बगीचा है ना उसमें पूरा का पूरा कॉटेजेस हमने बनाया है। अगर हमारा नाम लेके कोई आता तो डिस्काउंट भी देते हैं। बढ़िया डिस्काउंट कर देंगे ना वो आपको, है ना, तो ऐसा डिस्काउंट कर देंगे कि आप बार बार आते रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। चलो फिर, थैंक यू सो मच यार चेतन भाई, वेलकम, बहुत बढ़िया। और चलो अब अपनी सफारी पे निकलते हैं आज की। ठीक है, आज की हमारी सफारी में हमें रूट 9 मिला था, जिसका गेट सिंह सदन से थोड़ा दूर पड़ता है। Okay, so guys, welcome back to the channel. Route 9 की सफारी पे गिर में फाइनली अभी मेरे साथ हैं मलय पट्टी, पंकज शाह जी है, और हमारे साथ हिमांश सर। Okay, so guys, welcome to गिर नेशनल पार्क। अब हम गिर के जंगल में जो है पहुंच चुके हैं। गिर को जो है एक नेशनल पार्क का जो दर्जा है, और मैं कहूँ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो दर्जा है, वो 1965 में दिया गया था, सितंबर 1965। और इसके अगर टोटल एरिया की बात करूँ तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो टोटल एरिया है वो 1158 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर मैं गिर नेशनल पार्क की बात करूँ तो 258, तो टोटल मिला के 1412 स्क्वायर किलोमीटर रफली का जो है एरिया। यहाँ से अपनी ओपन सफारी स्टार्ट होती है। ये सर, मेरा नाम मनोज है। ये सर 1412 स्क्वायर किलोमीटर में ये फॉरेस्ट फैला हुआ है। इसमें 674 लायन है और 600 प्लस लेपर्ड भी है, और 18,000 स्पॉटेड डियर जो जिंदल बोलते हैं वो, और 3,400 है ब्लू बुल जो नील का है, और 4,400 है सांबर डियर, इंडियन बिट डियर। बाकी सर इसमें हाइना, जेकल, वालबोर, मंगूस, मोनिटर लिजर्ड, ऐसे कई एनिमल है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई भी एनिमल्स की गारंटी नहीं होती। गवर्नमेंट ओनली वन ये फॉरेस्ट घूमने की परमिशन देते हैं, जो भी मिले। ये स्पॉटेड डियर है, ये चीतल है, इसका तीन नेम है, एक इंग्लिश में स्पॉटेड डियर, दूसरा चीतल, और तीसरा हिरन, और ये लाइन का ब्रेकफास्ट है। इसमें भी जो मेल है उसको हॉर्न है, एंटिलस, फीमेल को हॉर्न नहीं होते, एंटिलस नॉट हॉर्न, हॉर्न परमानेंट होते हैं, एंटिलस फेड हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं, तो इसको एंटिलस बोलते हैं। हॉर्न्स परमानेंट सींग को बोलते हैं, और एंटलर्स वो सींग होते हैं जो एक बार झड़ने के बाद दोबारा आ जाते हैं। तो गाइज, गिर का जो फॉरेस्ट है वो एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे तेंदू हो गया, अकेशिया के पेड़ हो गए, देन आपका यहाँ पे नीम हो गया, बेर हो गया, और जिजिफस हो गया। तो डिफरेंट टाइप के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। अभी जो आप यहाँ पे पेड़ों की हालत देख रहे हैं, इन्होंने अपनी सारी लीव्स को जो है शेड ऑफ कर दिया है, यानी कि गिरा दिया है। ज़मीन पे आपको सारे ये सूखे पत्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस सीज़न में ये सारे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसकी वजह से अब जो नेक्स्ट सीज़न आएगा अप्रैल मई के बाद, उसमें ये सारे पत्ते जो हैं ये बरसात से पहले पेड़ अपने पत्ते निकालेंगे और ये ग्रीन हो जाएंगे वापस। ये टाइम सबसे अच्छा होता है चाहे लायन हो इनकी साइटिंग के लिए, क्योंकि पत्ते नीचे होने की वजह से जब कोई भी एनिमल मूवमेंट करता है इन पत्तों में उनके चलने की आवाज़ आती है। क्यों सर? एब्सोल्युटली करवाना है ना आज, मतलब कुछ बढ़िया से हो जाएगा मेरे को, पक्का मिलेगा आपको देखने को। सो हाउ, आई हैव बीन टू मेनी सफारीज इन गिर एंड आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड। आई हैव स्पॉटेड लायंस इन ईच एंड एवरी सफारी टिल नाउ। बहुत बढ़िया। सो आई होप दैट इवन दिस टाइम वी आर एबल टू स्पॉट द लायंस। सो हिमांग सर, दिखवाओगे ना आज कुछ बढ़िया से? 100% ये चुपचाप बैठे थे हिमांग से, तो मैंने कहा यार इनसे भी पूछ लेते हैं, जरा शांति में चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में जो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बातें होती रहनी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कुछ स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमें कुछ जिप्सी रास्ते में रुकी हुई मिल जाती हैं, तो एक आस बनती है कि शायद कुछ देखने वाला है। हाँ, वो देखो, तो अब यहाँ पे देखो लायन दिखा है अपने को,
इसका शॉट लेते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा आगे लेना भी, आगे लो आगे लो आगे लो। तो गाइस यहाँ पे ना लगातार कॉल भी चल रही है और एक लाइन जो है वो थोड़ा चुप चुप के जा रही है, और आगे लो और आगे लो और आगे लो, स्ट्रेट एंगल पे ले लो। अभी अभी नहीं आ रही, आ रही शीश का नहीं। हम थोड़ी आगे ले लेते, ओके सो गाइस ये है पैंथरा लियो लियो, या फिर मैं बोलूँ तो इसको पर्शियन लायन भी बोल सकता हूँ, जो हमारे वर्ल्ड में टोटल अफ्रीकन लायंस के जो डिफरेंट स्पीसीज हैं और जो इंडियन जो हम जिसको एशियाटिक लायन बोलते हैं इसकी जो स्पीसी है, पहले इनको अलग अलग कंसिडर किया जाता था और अफ्रीकन लायंस को एक अलग कैटेगरी में डाला हुआ था। अभी जो रिसेंट में स्टडी हुई है उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड के लायंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, तो पैंथरा लियो लियो और पैंथरा लियो मेलानोकोटा। तो इसके बेसिस पे चाहे अफ्रीका के मैं ट्रांसवर्ल लाइन की बात कर लूँ, चाहे अफ्रीका के मैं वेस्ट अफ्रीकन लाइन की बात कर लूँ, चाहे मैं नूबियन लाइन की बात कर लूँ, चाहे मैं ईस्ट अफ्रीकन लाइन की बात कर लूँ, सारे लायंस इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। एंड बहुत शानदार जो है ये एक स्पीसी है। और दूसरा ख़ास तौर से यहाँ पे इनको आपको जो देखने को मिलेगा, इनके कान जो हैं, जो ईयर्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं इनके मेन के होने के बावजूद भी, ये अफ्रीकन लायंस में नहीं होता। मतलब आई एम सेइंग सॉरी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आई एम जस्ट आस्किंग यू कि इट्स रादर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर। धूप में बिंदास सफारी कर रहे हैं और हर थोड़ी देर में कुछ एक नया सब्जेक्ट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है, क्योंकि नहीं तो यूजुअली हम जंगल में जाते हैं तो इतनी इजीली अपने को सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलते। हमारे गाइड भैया मनोज भैया बता रहे हैं कि ये 9 नंबर रूट जो है थोड़ा लंबा है, तो अपने को थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि आगे और भी लायन का मूवमेंट हो सकता है। कितने लायंस हैं इस 9 नंबर रूट के एरिया में जो अपन इस रूट एरिया में? मिनिमम 2-3 स्ट्राइड है सर, और 2-3 स्ट्राइड मिला के मिनिमम 27 जैसे लायन होते हैं। अच्छा, पूरे रूट में काफी बार मिलते हैं। ओके, पूरे रूट घूमते तो 27 जैसे लायन मिलते हैं। ओके, यहाँ हमें कुछ और दिख रहा है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं है? क्या है? आउल 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 नाइस। गाइड भैया कौन सा आउल है ये? यह है इंडियन स्कूप आउल। छोटे साइज का होने की वजह से ये आसानी से पेड़ों के खाली तनों में अपना नेस्ट बना लेते हैं, एंड इनके आईब्रोज को आप हॉर्न के जैसे ऊपर की ओर निकला हुआ भी देख सकते हैं। तो गाइस मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं फ्रेम में, ये है एक घोस्ट ट्री, इसको वाइट कुलू भी बोलते हैं, और इसके अंदर से ना एक गोंद निकलती है जिसका इस्तेमाल काफ़ी सारे खाने की चीज़ों में भी यूज़ होता है और एज ए मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत शानदार पेड़ है, बट इसको जो माइथोलॉजी या फिर मैं कहूँ जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भूतिया पेड़ कहा जाता है, क्योंकि ये चांदनी रात में चमकता है, कहा जाता है कि भूत जैसा दिखता है वाइट वाइट। साल में ये पेड़ जो है इतना शानदार होता है कि साल में अपने 3 कलर बदल लेता है। अभी ये वाइट दिख रहा है आपको, कुछ टाइम बाद ये थोड़ा पिंक हो जाएगा, उसके और कुछ टाइम बाद थोड़ा ग्रीनिश शेड में हो जाएगा।
तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे इसका पिंकी शेड दिख भी रहा होगा अभी, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये एक बहुत शानदार पेड़ और बहुत यूज़फुल पेड़ है हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारी इकोलॉजी में। डन, चल सकते हैं। गिर के जंगल में आगे बढ़ते वक्त गर्मी में आपको ठंडी छांव वाली जगह पे नजर बना के रखनी चाहिए। पानी में लेटा पड़ा। और हम भी ऐसी नजर बना के चल रहे थे तो हमें ये लाइनस दिखाई पड़ती है। उठ गया फीमेल है। ये लायनेस अकेली थी और रेस्ट के मूड में थी, तो किसी बेटर साइटिंग के आस में हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे एरिया में चली जाती है। ओके। सो गाइज, ये जो मेरे पीछे आप फ्रेम में देख रहे हैं ये है एक्सिस यानी कि स्पॉटेड डियर। आप इसके एंटलर्स देख सकते हैं, इन पे से वेलवेट टच खत्म होके ना अब ये वाइट होने लग रहे हैं। इसका मतलब जो है ये अब ये थोड़े टाइम में इनको शेड ऑफ करेगा। और जैसा कि मैं पास्ट में भी बता चुका हूँ कि जब तक ये मेटिंग नहीं करते ये तब तक अपना जो एंटलर्स है उसको शेड ऑफ नहीं करते। तो उम्मीद ये है कि इसने मेटिंग कर ली होगी तो अब ये अपने ये इनको शेड करेगा, अब इसके नए एंटलर जो है ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एक बार जब ये निकल जाते हैं। तो इधर जो ये विंड मिल लगा रखी है, ये विंड मिल क्यों है? क्या? ये जो विंड मिल थी पीछे वो पानी के लिए है। जो ये एक्टिव है, ये चालू है? हाँ, चालू है। उसमें से अपने आप हवा के अनुसार पानी निकलता है और एनिमल को पानी मिलता रहता है। तो ये जो वाटर होल्स बना रखे हैं इसमें पानी जाता है? पानी जाता है। और दूसरा, काफी जगह पे सोलर पावर भी लगा दिया है। ठीक है। और लगा दिया, सन निकलता है तो अपने आप सोलर पावर स्टार्ट हो जाता है और पानी निकलता रहा। और सोलर पावर का जब से सिस्टम हो गया ना, एनिमल के लिए सबसे बढ़िया हो गया है। अच्छा। क्योंकि पानी कभी खत्म नहीं होता। जो पहले टैंकर आता था ना सर, तो बहुत प्रॉब्लम होता था कि एक ही टैंकर सभी जगह पे पानी प्रोवाइड कर रहे थे तो काफी कोई पे पानी नहीं मिल रहा था, तो एनिमल को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो बहुत बढ़िया हो गया है। ये साल दो सालों से ये सोलर पावर लगा दिया ना, हर जगह पे पूरा दिन पानी स्टार्ट रहता है, इसीलिए पानी खत्म होने की बात ही नहीं। गुड गुड गुड। ये है मार्श क्रोकोडाइल यानी कि मगर। ये आपको गुजरात की नदियों में, छोटे तालाबों में और पोखरों में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ये क्रोकोडाइल आमतौर पर 8 फीट के और मैक्सिमम 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं। आज एशिया में इनकी मेजर पॉपुलेशन सिर्फ भारत की गंगा नदी के बिहार और झारखंड वाली बेल्ट पे, चंबल नदी के राजस्थान और मध्य प्रदेश वाली रीजन में और गुजरात में देखने को मिलती है। इस क्रोकोडाइल को शूट करते करते मेरी नज़र पास ही पेड़ पर बैठे एक पैराकीट पर पड़ जाती है। जी हाँ, ये एक पैराकीट है, ना कि पैरट। आम भाषा में इंडिया में हर तोते को पैरट बोल दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। पैरट्स बड़े साइज़ के तोते होते हैं जैसा कि मकाओ, लेकिन इंडिया में वाइल्ड में सिर्फ पैराकीट्स ही पाए जाते हैं। और आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अलेक्जेंड्रियन पैराकीट। ये अपनी इंटेलिजेंस और टॉकिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। सो गाइज, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है एक कैमरा ट्रैप, और ये इस पेड़ पे लगाया है बेसिकली। उसका रीज़न ये है कि इस पेड़ के ऊपर लायन और ये जो भी लायनेस है ये आके अपने स्क्रैच मार्क करते हैं। तो आपको ये दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए ये जो स्क्रैच के निशान है, तो यहाँ पे आके स्क्रैच मार्क करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका काउंटिंग अपने सिस्टम के डेटाबेस में रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सीधे इस पेड़ को फेस करता हुआ ही कैमरा ट्रैप लगा दिया, ताकि जितनी बार यहाँ से निकलेंगे, यहाँ स्क्रैच मार्क करेंगे,
तो उनको जो है उन लायंस के बारे में पता चलता रहेगा और उनकी जो काउंटिंग है वो अपने डेटाबेस में मेंटेन कर पाएंगे। तो ये उसका रीज़न है एंड इसीलिए यहाँ पे लगा है। और ये फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। इसको अगर आप छेड़ोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अगेंस्ट में आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप जेल भी जा सकते हो। तो इसको टच करना अलाउड नहीं है, इल्लीगल। ओके, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देने लगता है, तो हम यहाँ रुक जाते हैं। गाइस, ये जो आप पीछे शोर सुन रहे हैं ना, ये है सिकाडा का शोर, मतलब सिकाडा की आवाज़ है। ये सब एक साथ निकलते हैं पेड़ों के जो ट्रंक है उसमें रहते हैं, उनके नीचे से निकलते हैं, जड़ों में भी अपना घर बना लेते हैं और अंदर से निकल के ये एक साथ चिल्लाते हैं। ये तो इधर से भी आवाज़ आना शुरू हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूसली चिल्लाते हैं सारे। और कुछ कुछ टाइम पे तो ये देखा गया है जंगल में कि इनका शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक एयरक्राफ्ट के जेट इंजन से भी ज़्यादा तेज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये एक साथ जब बरसात होती, पहली बरसात उसके टाइम पे निकलते हैं, तो इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसे दिख तो सकता नहीं है बट आवाज़ सुना सकता था, तो मैंने आपको ये आवाज़ सुनाई, मैंने आपको इसके बारे में बताया। सामने से जो गाड़ी निकली ना, उसके ड्राइवर ने इशारा किया कि आगे कुछ स्पॉटिंग है। अच्छा, ऐसा बोला क्या? दूसरी जिप्सी से लोकेशन मिलने के बाद हम उसी जगह की ओर अपनी गाड़ी को दौड़ा देते हैं। उस लायन की लोकेशन से कुछ ही दूरी पे हमें ये लेपर्ड सड़क पे मिल जाता है। यह है पैंथरा पार्डस फ्यूस का, यानी कि इंडियन लेपर्ड, दुनिया में पाए जाने वाले 9 लेपर्ड्स की सब स्पीसीज में से एक। ये लेपर्ड आपको भारत के जंगलों में आसानी से देखने को मिल सकता है। आज इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 14,000 के आसपास है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स के चलते बढ़ी है। अदरवाइज एक समय ऐसा था इनकी पॉपुलेशन 6,000 से भी कम रह गई थी। उस लेपर्ड के जरा सा आगे हमें ये लायंस मिल जाते हैं। हमारे ना पीछे ये यहाँ पे पूरे लायंस लेटे पड़े हैं। आप देखो यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है, उधर दो लायंस हैं, मतलब फीमेल है, और उनके पीछे और छोटे बच्चे भी हैं। और इसी पे अगर मैं इसी साइड आपको फोकस करके दिखाऊँ तो यहाँ सामने भी एक लायन लेटा पड़ा है। तो भर भर के हर तरफ यहाँ पे आपको लायन देखने को मिलेंगे। इन लायंस को यूं आराम करते हुए देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल भोले भाले और शांत जानवर हैं। बट इसके साथ साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जंगल के माहिर और एक ताकतवर शिकारी जानवर हैं। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे और इनके लिए खतरा बन सकती है। ये मेल है जो आगे लेटा ना, ये सब एडल्ट मेल है। ये देखो इधर, इस झाड़ियों में पीछे लायन के छोटे छोटे बच्चे अपने शिकार के हुनर को सुधारने में लगे हुए थे, क्योंकि आने वाले दिनों में इनको भी ऐसे ही बड़े बड़े शिकार को मार गिराना है। इन्हीं लायन के पास मुझे ये रेड नेप्ड आइबिस भी घूमता हुआ दिख जाता है। इनके सर पे ये रेड कैप होने की वजह से इनको ये नाम रेड नेप्ड आइबिस मिला है। रेड नेप्ड आइबिस बाकी आइबिस के अपोजिट ड्राई लैंड्स में ज़्यादा पाया जाता है, और आप इसे ज़मीन में छुपे हुए छोटे इंसेक्ट्स ढूंढता हुआ और खाता हुआ देख सकते हैं। देखो इधर, इसी बात पे आज की सफारी को करते हैं एंड। सर, आप सब लोग भी टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।